से आप देखते हो काफी ज्यादा डैमेज हो रखी है। तो फिलहाल हम इसको क्रेन से उतारते हैं, क्रेन से उतारने के बाद इसको देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। गाड़ी देख सकते हो इसका जो आगे वाला टायर है वो पीछे वाले फेंडर में काफी ज्यादा अंदर की तरफ को धस रहा है। इसका जो काफी तगड़ी हिट हुई है कार, आप देख सकते हो इसका एयर बैग भी ओपन हो चुका है डैशबोर्ड में से। ये आप देख सकते हो ये इसका न्यू एयर बैग है, आप देख सकते हो हुंडई का ओरिजिनल न्यू एयर बैग है ये, हुंडई का साइन लगा हुआ है इसके ऊपर, किया का भी। आप देख सकते हो बिल्कुल न्यू कंडीशन हो चुकी है इस कार की, बिल्कुल शोरूम जैसी कंडीशन हो चुकी है। आप देखो आगे से कितनी ज्यादा डैमेज थी ये कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम फ्रॉम गाड़ी दोस्तों, आज हमारे पास आ रखी है हुंडई की एक्सेंट पेट्रोल वर्जन। ये गाड़ी आगे से आप देख सकते हो काफी ज्यादा डैमेज हो रखी है। तो फिलहाल हम इसको क्रेन से उतारते हैं, क्रेन से उतारने के बाद इसको देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं है। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई है बट काफी देर तक हम इसको स्टार्ट नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हो आगे के कंडेंसर रेडिएटर दोनों चीजें डैमेज हो चुकी है, काफी ज्यादा डैमेज हुआ पड़ा है आगे से। तो इसको फटाफट से अंदर लेके चलते हैं और इसको फिर देख सकते हो इसका जो आगे वाला टायर है वो पीछे वाले फेंडर में काफी ज्यादा अंदर की तरफ को धस रहा है। इसका जो एक्सल है वो भी बैंड हो रखा है और जो सॉफ्टवेयर है वो भी बैंड हो रखे हैं। तो इसको हम डायग्नोस करेंगे अंदर ले जाके फटाफट से और चेक करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है इस गाड़ी की। तो देख सकते हो आप काफी ज्यादा हिट हुई है ये कार, आप इसकी गाटरी देख सकते हो आगे की काफी ज्यादा बैंड हो रखी है, तो जबकि काफी मजबूत होती है, काफी हैवी क्वालिटी की होती है। ये तक इसकी बैंड हो चुकी है, वाइपर बोटल इसकी बैंड हो चुकी है, जो ब्रेक ऑयल जहां से निकलता है जहां पे डलता है वहां पे भी लीकेज हो रखी है, वो भी काफी ज्यादा डैमेज हो रखा है। इसका फेंडर तो बिल्कुल डैमेज है ही है, बाकी की चीजें को हम एक बार डिसमेंटल करेंगे, डिसमेंटल करके देखेंगे कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर की जो डैमेज हो रखी है। काफी तगड़ी हिट हुई है ये कार, आप देख सकते हो इसका एयर बैग भी ओपन हो चुका है डैशबोर्ड में से, पूरा एयर बैग इसका बाहर निकल के आ गया है। तो इसका एयर बैग को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कितनी तगड़ी हिट हुई है कार जिसकी वजह से एयर बैग। प्रेशर के ऊपर का जो नट है वो टूट चुका है और जो इसके अंदर जो ये पाइप लगी है ब्लैक कलर की, ये थर्मोस्टेट वाल है, ये भी इसका टूट चुका है और काफी सारी जो इसकी नीचे की जो पाइप है वो भी टूट चुकी है। तो फटाफट से हम इसके नीचे का सस्पेंशन का जो काम है उसको करते हैं क्योंकि इसका एक्सल हमें चेंज करना पड़ेगा और जो इसके आरम है वो हमें चेंज करने पड़ेंगे और जो सॉकर है वो भी हमें इसके चेंज करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी गाटरी को नीचे से निकालते हैं, उस गाटरी को भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि गाटरी भी काफी जगह से बेंड हो चुकी है। तो इसकी डेंटिंग करने के लिए इस इंजन को हमें पहले पूरा बाहर निकालना पड़ेगा ताकि हम जो इसके पैनल हैं ये जो ज्यादा डैमेज हो चुके हैं इनकी हमें डेंटिंग करनी है। ये आप देख सकते हो ये इसका न्यू एयर बैग है, आप देख सकते हो हुंडई का ओरिजिनल न्यू एयर बैग है ये, हुंडई का साइन लगा हुआ है इसके ऊपर, किया का भी साइन लगा हुआ है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल एयर बैग है। इसको हम डैशबोर्ड के अंदर फिट करते हैं फटाफट से और इस पूरे डैशबोर्ड के अंदर जितने भी सेंसर हैं, इलेक्ट्रिकल वायर हैं, उन सबको भी फिट करते हैं प्रॉपर तरीके से क्योंकि काफी क्रिटिकल होता है डैशबोर्ड की फिटिंग को करने में, काफी दिक्कत होती है डैशबोर्ड की फिटिंग करने में क्योंकि इसके अंदर काफी सारी वायर होती है जो प्रॉपर तरीके से सेट करनी पड़ती है, प्रॉपर सेंसर सेट करने पड़ते हैं जब भी एयर। और कार के अंदर फिट भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई किसको फिट करने में। एक बार इसको हम फाइनली लिफ्ट के ऊपर और लगा के चेक कर लेते हैं कहीं कोई लीकेज तो नहीं है इसके अंदर, कहीं से कोई वायर कोई चीज रह तो नहीं गई है। आप देख सकते हैं इसकी पूरी गाटरी हमने नई डाली है, इसके सॉकर हमने नए डाले, इसका एक्सल हमने नया डाला है, इसका आरम हमने पूरा नया डाला है, एकदम सारी चीजें हमने एक एक चीजें इसकी पूरी नई डाली है। आप देखते हैं पूरा कंप्रेसर हमने एकदम न्यू डाला है, इसके अंदर कंडेंसर चेंज किया है, रेडिएटर चेंज किया है हमने, पूरा प्रॉपर सारी चीजें इसकी चेंज की है।
फाइनली कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कंप्लीट है कार, अंदर से कोई लीकेज नहीं है, ना ही कोई फिटिंग रह चुकी है, सिर्फ ओनली बाहर की फिटिंग रह गई है, वो बाद में। तो आप देख सकते हो फाइनली हम पेंटिंग एरिया में पहुंच चुके हैं। अब ये गाड़ी डेंटिंग पेंटिंग के लिए तैयार है। अब इस कार के ऊपर पेंट का जो प्रोसीजर है वो होना रह गया है, तो फाइनली हम इसके ऊपर पेंट का जो वर्क है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला बेस हम इसमें पेंट का डालना स्टार्ट कर रहे हैं। ये पेंट का पहला बेस है, इसके बाद तीन लेयर का पेंट होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्लियर का होता है। फाइनली पूरा पेंट कंप्लीट होने के बाद में आपको कार वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारा पेंट का वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो फ्रंट की जो विंडशील्ड है उसको और चेंज कर रहे हैं, वो भी काफी ज्यादा टूट चुकी थी। इसकी पूरी न्यू चेंज हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। इसकी जो इलेक्ट्रिकल चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल जो वायर है या साइड मिरर है वो और रह गए, उनकी और फिटिंग हम कंप्लीट कर रहे हैं। और फाइनल फिटिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी एक टेस्ट ड्राइव और लेंगे कार की। फाइनली पूरी कार कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल कंप्लीट कार होने के बाद इसकी लंबी सी एक टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं और देखते हैं कहीं चलाने के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है कार के अंदर, ना ही कार लेफ्ट राइट भाग रही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ना ही डैशबोर्ड के ऊपर कोई लाइट आ रही है, बिल्कुल एकदम ओके हो चुकी है कार, पूरी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। पर इसको रफ रोड पे और चला के देख लेते हैं, कहीं वहां पे कोई सस्पेंशन के अंदर से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। रफ रोड पे भी कार बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई साउंड नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली एक बार इसकी स्कैनिंग और कर लेते हैं, कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। पूरी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल परफेक्ट है कार, बिल्कुल फाइनली कंप्लीट। कंडीशन हो चुकी है इस कार की, बिल्कुल शोरूम जैसी कंडीशन हो चुकी है। आप देखो आगे से कितनी ज्यादा डैमेज थी, ये कार बिल्कुल न्यू बन चुकी है कार। हमने एयर बैग से लेके सस्पेंशन तक सारा वर्क पूरा प्रॉपर तरीके से किया है, एक एक चीज को हमने बारीकी से चेक करके फिर इसको चेंज किया है। आप इसी काम को अदरवाइज किसी और वर्कशॉप में कराते या ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराते तो शायद मेरे हिसाब से काफी लंबा चौड़ा बिल बनता, जो हमारे यहाँ पे कम से कम बजट के अंदर हुआ है। इसके अंदर हमने इसका पूरा सस्पेंशन किया है, एयर बैग चेंज किया है, डेंट पेंट किया है, विंडशील्ड चेंज करी है, पूरी गाड़ी के अंदर पूरा कंप्लीट काम किया है हमने, बिल्कुल शोरूम जैसी कंडीशन बना दी।